वेलकम बैक बैक द वेलकम, स्वागत है आप सभी का साइबर सिक्योरिटी चैनल पे। और इस वीडियो पे आप लोग जानने वाले हैं कि आखिर ये रबर डकी होता क्या है, रबर डकी को कैसे क्रिएट किया जाएगा और रबर डकी के अंदर हम स्क्रिप्ट कैसे अपलोड करके रन करा सकते हैं। तो देखिए, रबर डकी जो है वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग और एथिकल हैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। आखिर देखिए, जैसे आप नाम सुने ही होंगे पेन ड्राइव, कोई पेन एक तरह का पेन ड्राइव होता है जो कि आपके डेटा को स्टील कर लेगा, चोरी कर लेगा अपने अंदर में। बस पेन ड्राइव को कनेक्ट करना है और फिर निकाल देना है। तो ये जो काम हुआ, ये तो खैर हम लोग मैनुअली कोई भी पेन ड्राइव के साथ कर सकते हैं, बट अगर बात बात किया जाए और भी, अगर अलग अलग तरह का मेटाडेटा सेशन ओपन करने का या कुछ अपना खुद का इन्वेंट किया हुआ स्क्रिप्ट को अगर अपलोड करने की बात की जाए, तो आप एक नॉर्मल पेन ड्राइव पे, USB पेन ड्राइव पे नहीं डाल सकते हैं। तो यहाँ पे काम आता है USB रबर डकी का, ठीक है। तो USB रबर डकी को क्या करना है कि आपको देखिए, USB रबर डकी है ना, इसका जो प्राइस है 3600 के आसपास है इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका नाम है HAK5, ठीक है। तो अमेज़न पे आपको क्या है कि एक बोर्ड खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मैनुअली क्रिएट कर रहे हैं, तो एक बोर्ड का ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है एक्सकुलम लियोनार्डो। तो इस बोर्ड का ज़रूरत पड़ेगा, साथ ही साथ एक बटन का ज़रूरत पड़ेगा। तो वो बटन का ज़रूरत क्यों पड़ेगा, देखिए जब आप स्क्रिप्ट टारगेट सिस्टम पे डालेंगे तो वो स्क्रिप्ट रन हो जाएगा, ठीक है। मान लिया जाए वो स्क्रिप्ट काम कर रहा हो कि सामने वाले के कंप्यूटर को क्रैश करने वाला। अब मान लिया जाए उस स्क्रिप्ट में कुछ एडिट करना हो या कुछ और भी फंक्शन फीचर्स लाना हो, तो आप अपने सिस्टम पे जब डालेंगे तो आपका सिस्टम भी सेम टू सेम वैसा ही काम करेगा जैसे टारगेट सिस्टम पे क्रैश हुआ था, मतलब आपका भी सिस्टम क्रैश कर जाएगा। तो अब क्या है कि उस बटन का काम ये है कि उसको आपको 1 से 2 सेकंड तक प्रेस करके रखना है, और प्रेस करते साथ ही आपको प्लग इन करना है अपने USB पोर्ट पे, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस पे आपको डाल देना है, ओके। अब देखिए, वो जैसे ही आपका कनेक्ट हो जाएगा तो स्क्रिप्ट रन नहीं होगा, फिर आप उसको इजीली एडिट कर सकते हैं। तो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो आपको इस वीडियो पे पता चल जाएगा। एक्चुअली देखिए, रबर डकी के ऊपर वीडियो लाने का मन नहीं था, बट मेरे पास जब हम क्रिएट कर रहे थे, जब बना रहे थे, तो उस दौरान क्या हुआ कि कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेके रखे थे, तो सोचे क्यों ना बना ही दिया जाए और थोड़ा अलग लगेगा इस वीडियो पे, क्योंकि इसके ऊपर कभी बात किए नहीं थे, तो आज बात हो ही जाएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं।